हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 6 बजे से स्टार्ट। मैं उठ गई थी 5:30 बजे, तो मैंने मोटर चला के पानी भर लिया है और ये लोग उठ रखे हैं, बच्चे उठ गए हैं, वो नहा रहे धो रहे हैं। देखो गाइस कैसे बैठे हुए हैं, मुँह छुपा के। उनको मैंने उठा दिया है, 6 बज रही है। ये हमारा टी टाइम हो चुका है, अब चाय पी रहे हैं हम। ये इन्होंने परांठा नहीं खाया, ये चाय के साथ गोदे की रोटी का एक गस्सा। खाली पेट चाय, जब आप सुबह सुबह चाय पीते हो ना, तो खाली पेट नहीं पीना चाहिए। कभी भी सुबह जब चाय पीते हो तो कभी भी आपको मतलब क्या चाय नहीं पीनी चाहिए, ठीक है? कैसा लगा मेरा मजाक? खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, फालतू मत बोलेगा तू। देख ले क्या बोल रहे हैं, ये क्यूटुप्पा है, देख लो। इन्होंने बनाई है चाय, बहुत ही जबरदस्त चाय बनाई है। सोनी स्कूल जा चुकी है, अब गुन्नू जी बाहर क्या कर रही थी? नहीं जाएंगे और वो लेके आ रही है चिज्जा। सो गाइस, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो अब करती हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा अपना, सैन सफाई जो हमेशा रूटीन होता है। उसके बाद इनके लिए बनाऊंगी, अभी इनके लिए बनाऊंगी नाश्ता। ये अभी बच्चों को छोड़ने गए हुए, गुन्नू को छोड़ने स्कूल, तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपना रोज का कार्यक्रम स्टार्ट। देखो गाइस, आज ये मीटिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा नए मेहमान हैं, तो पहचानने जा रहे हैं। फिर थोड़ा नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम क्या रहे, ये कहीं और रहे, हम खान साहब। ये नंबर क्यों लिया हमने? ये अभी अभी बेबी हुआ है, शक्ल नहीं करके आ रहा, बेबी है, इसकी शक्ल मिल रही है। तो गाइस आज हम दोनों आए हुए हैं गुट बाजार, और का पता नहीं कहां है। ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, बढ़िया बढ़िया जा रहे हो भाई। पर्स लेना होगा आपको तो। गिफ्ट कर यहाँ पे पेटीएम में होता है। ये टिक्की, ये टिक्की बन रही है आज हमारे साथ, निक्की नहीं है। यहाँ पे टिक्की बन रही है, हमारे साथ नहीं है आज निक्की। पैसे ये थी 50 रुपए की नहीं, तो एक किलो कर दी, 50 का नहीं, 1 किलो। हाँ सही कह रहे हो, किलो कर दिया, किलो कैसे? हमने भी बाजार, हमने बुद्ध मार्केट से करी बहुत सारी शॉपिंग। ये देखो इतनी शॉपिंग करी, बहुत सारी शॉपिंग करी है, और अब हम जा रहे हैं घर। आज हमारे साथ कोई नहीं है, हम दोनों बंदर हैं, पता नहीं कहाँ गए साले। चौक है राम चौक। ये झंडा देखो कितना अच्छा लग रहा है, तिरंगा, तिरंगा झंडा। ये साधनगर में श्री राम चौक, देखिए गाइस। हम आज
बाहर गए हुए थे, मार्केट गए हुए थे बाहर, और आपको दिखाऊंगी हम मार्केट से क्या क्या लाए। अब मैं बना रही हूँ अब यहाँ पे चिकन, चिकन बन रहा है इधर, चिकन बन रहा है। ये मैंने प्याज व्याज वो करके रखा हुआ है, प्याज भून के रखा हुआ मैंने, ये मैंने भून करके रखा हुआ है, मिक्सी में भी ऐसे फटक से बन जाता है। तो अब बनाऊंगी आप चिकन, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। ये डाला मैंने इसमें लौंग, काली मिर्च, ये है इलायची, बड़ी इलायची इसे डाल रहे हैं, और ये पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। अब डालती मैं इसमें जीरा, ये चटकता भी है गाइस, इसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। फिर डालती मैं इसमें तेज पत्ता, और तीन डाल दे, दो डालने के, और थोड़ा डालती मैं इसमें दालचीनी, एक डंडी दालचीनी रखा था मैंने। ये चिकन वाला सामान इसमें ऐसे करके मैं रखा रहता था, मैंने सब कुछ ऐसे करके इसको रख दिए थे ना साइड में। ये भुना हुआ प्याज रोस्ट करना चाहिए, तब तक यहाँ मसाला तैयार हो जाएगा, इसमें रोस्ट होगा। ढक्कन रखते इधर मसाला बन रहा है, इधर चिकन रोस्ट हो रहा है। अब मैंने ये रोस्ट हो चुके हैं तो मैं डालती हूँ इसको, ये मसाला तैयार हो चुका है और ये हो चुका है रोस्ट चिकन। ये मैंने इसमें मिला दिया है अब ये चिकन, और इसको थोड़ा ढक के रखूंगी आधा घंटे तक, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ना इसके साथ। फिर मिलाएंगे इसमें गर्म पानी। ये चिकन बनके हो चुका है रेडी, ऐसा बना हुआ कुछ हमारा, ये हमने ऐसे बनाया है, बनके हो गया है रेडी। इधर रखे चावल, और अब ये आने वाले, थोड़ा सैलेड काटती हूँ और फिर करती हूँ खाने को। ये कम हेयर, हाय करो, टिपन दो। हम गए हुए थे आज बुद्ध बाजार, गए हुए थे मंगलपुरी, तो वहां से लाए मैं एक ये कवर है, ये रजाई का खोल डबल बेड का, इसको पूरा नहीं खोलूंगी, इतना ही दिखाऊंगी। और ये लाया मैं बर्गर, ये लाया हूँ खोया, और ये लाया हूँ ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह बेकरी के। ये हैं स्वीट कॉर्न, ये हैं संतरे, ये लाया हूँ मैं एक, इसको ऐसे दिखाऊंगी, और एक लाया हूँ पर्स। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है, टाइम हो गया है 10 बज गए हैं, और अब इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।